嗯。 हेलो गईज़ मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है आज मैं इसी स्टेटस का ट्यूटोरियल देने वाला हूं जो कि रील्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और एक चैनल पे नहीं दो दो चैनल पे एक चैनल का नाम याद नहीं आ रहा जिस चैनल से वीडियो भेजा गया था उस चैनल का नाम है ए एम देव एडिट्स करके तो उसी भाई ने इस तरह की वीडियो बनाए थे तो चलिए आप सबको वही सिखाते हैं कैसे करना है जो कि स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में एक्समएल प्लेसर्ट दोनों दे दिया है जो आप में सपोर्ट करता हो डाउनलोड करके आप बनाना चाहो तो बना सकते हो चलिए वीडियो का ट्यूटोरियल देते कैसे करना है लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लाइक करने के बाद तो अच्छा लगता है खराब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे रहें इंस्टा पर मैसेज करें वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा और आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब

इसी में से हमें स्क्रीन रिकॉर्ड शुरू का पार्ट जो था आपने देखा होगा स्क्रीन रिकॉर्ड था उसको करना है तो आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर दिया जाता है तो उससे कर सकते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डर पर टाप करके नहीं तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ए टू जेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप तो बस इसको इंस्टॉल करके स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करना है सो बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है नेट ऑन रखना है स्पोटिफाई इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कोई सॉन्ग प्ले करते हो तो वीडियो प्ले होने लगता है तो यहाँ पे सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेव डाटा को ऑन कर देना तो वीडियो प्ले नहीं होगा उसके बाद अब आपको क्या करना है सर्च वाले में आ जाना है यहाँ पे जो भी सॉन्ग के लिए वीडियो बनाना चाहते हो हिंदी में आ जाते हैं और कोई सॉन्ग लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं के ले इसी में से ऐसे करके मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या करते यहाँ पे फर्स्ट में ही ये सॉन्ग आ रहा है मैंने कल इसे सर्च किया था इसके चलते अब ये जो प्लेलिस्ट है आपको इतना पे रखना है ऐसे करके कोई सॉन्ग इसमें से पसंद आता है मान के चले यही रात तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर पहले ऑन कर लेना है अपना अभी मैं करके नहीं बता रहा आप समझ रहे हो कैसे करना है वो ऑन कर लेना और फिर इसको ऊपर नीचे ऐसे करके स्क्रॉल करना है बस और जहाँ पे थोड़ा सा टाइम रहना चाहिए साउंड के मुताबिक जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा हम पाँच सेकेंड आप रिकॉर्ड करना है इसे और फिर इसे सेंटर में रोक देना अगर इस सॉन्ग पर हम बनाना चाहते हैं तो, तो ऐसे करके मैंने रोक दिया फिर आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डर हो रहा है उसे सेव कर लेना और सेव कर लेते तो यहाँ का काम ख़त्म और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो इसका थंबनेल है मान के चलिए ये है तो इसका थंबनेल जो है सो आपको डाउनलोड करना होगा तो स्क्रीन शॉट लेकर क्लियर कर सकते हो और नहीं तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो मैंने गूगल से ही किया था डाउनलोड अब इसे हटा देते हैं जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है सो so, यहाँ पे इसे ओपन करते हैं एलाइट मोशन को और एलाइट मोशन ओपन करने के बाद प्लस सेकेंड पे टैप करना है नाइन एच टू सिक्सटी एस में टेन आर के साथ शार्ट फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है जब इतना हो जाए एक साउंड की जरूरत पड़ेगी जिस साउंड के लिए आपने आ, मतलब कि वीडियो क्रिएट करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड किया है उसी साउंड का यूट्यूब से कोई स्टेटस क्रिएट कर रखा है तो उसकी वीडियो डाउनलोड कर लो नहीं तो आप पूरा सॉन्ग डाउनलोड करके उसके मेन पार्ट जो साउंड का होता तो है स्टेटस लाइक आप क्रिएट कर लो प्लस फेटा आप करना है एडियो से ले सकते हो नहीं तो मीडिया में चलते अभी मैंने स्टेटस क्रिएट किया है तो एलाइट मोशन में आते हैं और ये वीडियो है सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से सेलेक्ट करते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं जब इतना हो जाए तो आपको यहाँ पे मार्क लगा लेना जहाँ पे ट्रांजिशन होता है अलग कार्ड पे लिरिक्स लिखने वाला तो वो साउंड के मुताबिक ही मैंने रखा था आपको जहाँ जितनी जल्दी हो या जितना देर तक हो उसके हिसाब से आप रख लेना तो मैंने लगभग नौ पंद्रह तक रखा था फर्स्ट पार्ट को तो यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड आता है यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है जो वीडियो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है सो मीडिया में चलते हैं और उसे ले आते हैं तो लाइट मोशन में आते हैं सॉरी लाइट मोशन फाइल को चेंज करके और यहाँ से जो स्क्रीन है इसमें आते हैं जो रिकॉर्ड किया है सो तो ये वाला वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद इसमें साउंड होता है तो साउंड को ऑफ़ कर लेना ऐसे करके ऑफ़ करने के बाद जहाँ से आपका वीडियो क्लिप स्टार्ट होता है वो भाग देखना तो यहाँ से देख सकते हो ऊपर नीचे हो रहा है तो इधर के भाग को हम कट करते हैं और ऐसे करके इधर खींच लेते हैं खींचने के बाद अब आपको क्या करना है ये भाग देखना है आपको जहाँ पे आपका ये जो सॉन्ग के लिए बना वो रुक जाता है क्लिप तो मान के चलिए मेरा क्लिप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करके यहाँ पे रुक गया तो रुक गया तो ठीक ही है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ तक बराबर है तो इसे उसके बाद के से कट कर देते हैं तो ये यह यहाँ पे बराबर मैंने किया था इसके हिसाब से ठीक है और नहीं तो स्लो मो फास्ट मो कर सकते हो जो कि ड्यूरेशन पे आकर कट कर लेना आगे खींचना हो तो आगे खींच सकते हो ये बटन ऑन हो जाता है तो ऐसे कट सकते हो अब आप इतना कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है प्लस आइकन पे टैप करके राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है इसके साइज़ को जितना मैं रख रहा हूँ उतना रखिएगा इसको एडिट सेप पे जाना है और इसके साइज को यहाँ से फर्स्ट में आपको एक्स में कर लेना है 500 तो यहाँ से 500 और वाई में कर लेना है 70 तो वाई 70 रेडियस को यहाँ से 40 कर लेना है तो यहाँ से चालीस कर लेते हैं ओके करते हैं ओके करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे और इसे जहाँ तक कैसेट है मतलब ये जो बैकग्राउंड वाला है वीडियो वहाँ तक रख लेना है रखने के बाद इस प्रकार से आएगा अब इस वीडियो पार्ट को क्या करना है इससे थोड़ा सा जूम कर लेना है ऐसे करके जो कि ये फ्रेम में अच्छी तरह से आ जाए इतना कर लेते हो अभी दोनों को सिलेक्ट करना है ऐसे और इसको ग्रुप एज मास्क कर लेना है तो इसके भीतर ये इस वीडियो पार्ट चला जाएगा देख सकते हो अब आपको क्या करना है इसको सिलेक्ट करना है बॉर्डर एंड साइडों में इसका एड वेड ऑन करना है और इसको इनसाइड है तो इनसाइड ही रखिएगा और इसके साइज़ को सोलह कर लिया था मैंने तो अपने हिसाब से भी रख सकते हो पंद्रह भी रख सकते हो तो पंद्रह ही सही रहेगा तो इस प्रकार से आपको रख लेना है आपको यहाँ पे शुरू का जो पार्ट है सो तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो कि ऐसे करके चलता हुआ नजर आएगा और जब पूरा ये हो जाएगा जहाँ पे रुकना होता है वहाँ पे ऐसे करके ये रुक जाएगा कुछ इस प्रकार से देख सकते हो तो यहाँ पर जब ये सब हो जाए अब आपको क्या करना है देख सकते हो कि ये जो हमारा सॉन्ग था वो अलग है और ये अलग यहाँ पे सेलेक्ट हो गया तो अब आपको क्या करना है इसको सेलेक्ट करना है एडिट ग्रुप में जाना है ये वीडियो पार्ट को हम ऐसे मूव करके नीचे लाएंगे जो कि हमारा वो जो हम जिस वीडियो के लिए जिस साउंड के लिए बना रहे हैं उसका इसमें फ्रेम में आए तो इतना पे हम रख लेते हैं क्योंकि ये जो सेप है सो से सेंटर में सेलेक्ट किया था इसके चलते मैंने इतना पे रख लिया अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि ये ऊपर नीचे जाएगा और फिर सेंटर में रहेगा तो ऐसे करके आप रख लेते हो तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जहाँ पे ये रुकता है सो ध्यान देना है तो ये जो पार्ट है सो यहाँ पे ऐसे करके रुक गया यहाँ पे, थोड़ा सा और पीछे ही हो जाता हूँ यहाँ पे रुक रहा है देख सकते हो तो इतना पे हम एक मार्क लगा लेते हैं मार्क लगाने के बाद थोड़ा और पहले ही हमने रखा था क्योंकि इसमें थोड़ा स्लो मोशन नहीं किया तो यहाँ पे देख सकते हो रुक रहा है तो इतना पे रखते हैं और प्लस पे टाप करते हैं मीडिया में चलते हैं जो पी एन जी है सो स्क्वायर साइज़ का है सो आप डाउनलोड कर लेना जो सॉन्ग के लिए बनाओगे और यहाँ पर शायद पिक्चर में है पिक्चर में आते हैं इस पी एन जी सेलेक्ट करते हैं अब इसे इस लाइन तक कर लेना है नौ पंद्रह जहाँ तक है जहाँ तक आप ट्रांजिशन नहीं दे रहे हो वहाँ तक उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे जूम पे आएंगे और यहाँ पे इसके जूम को कम करेंगे जो कि हमें पाँच सौ इकतालीस तक मैंने रखा था तो यहाँ पे पाँच सौ इकतालीस रख लेते हैं इस प्रकार से इतना तक और यहाँ पे इसके सेंटर में आ जाना है इतना पे एक प्लस कर देना है इतना पे और इसके स्टार्टिंग में आकर इसे जीरो कर देना है ऐसे करने के बाद इसमें कर्व दे देंगे तो कर्व में इस लाइन को इतना पे इसको इतना पे इस कर्व को कॉपी कर लेना कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक करेंगे मूव पे आएंगे और मूव पे हम प्लस करते हैं इसे थोड़ा और अंदर ही रखा था इतना पे रखा था इतना पे रख लेना और इसके स्टार्टिंग में आना है ये छोटा हो गया तो वहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा हो तो इसके बराबर में यहाँ पे रख लेना है ऐसे रखने के बाद अब आपको यहाँ पे वही कर्व दे देना जो उसमें दिए हमने तो ऐसे करके दे देते हैं तो आपको यहाँ पे जो ये पी एनजिए ऐसे करके रुकेगा और यहाँ से ये आता हुआ नजर आएगा अभी लाइक कर रहा है बहुत ज़्यादा तो ऐसे करके आएगा जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है जैसे ही ये यहाँ पे रुकता है उससे ठीक पहले इतना पे ही कैसेट का पी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसे डाउनलोड कीजिएगा मीडिया में चलते हैं जो डाउनलोड करके लाओगे डाउनलोड में चलते हैं ऑल पे टाप करके ढूंढ लेते हैं सो ये पी एन जी सेलेक्ट करते हैं प्लस पे टाप करना है टाप करने के बाद इसे यहीं तक रखना है हमें तो ऐसे करके रख लेते हैं। रखने के बाद इसके साइज़ को भी वैसे ही जूम पे आना है इसको भी 540 नहीं रखा था शायद तो ऐसे करके रख लेते हैं रखने के बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद अब आपको इस पी जी को नीचे ले आना है इस फोटो के तो ऐसे करके ले आते हैं लाने के बाद इसके सेंटर में आना है ऐसे करके यहाँ पर जो मूव है इस पर प्लस करेंगे और मूव करके ऐसे करके इतना हल्का सा ये जो डॉट है साइड में उससे ठीक पहले रखना है ऐसे करके और इसके स्टार्टिंग में आना ऐसे करके इधर खींच लेना ये जब इतना कर लेते हो तो इसमें कर्व देना है तो कर्व में आपको इसको ऐसे सेम वही कर दे देना है और इधर देख लेना कि बाहर तो नहीं आ रहा है ना तो यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है हल्का सा तो इसे और अंदर करना है ऐसे जो बराबर रहे और बाहर ना आए तो इतना हो जाए अब आपको क्या करना है रोटेशन पे आना है और प्लस करना है जीरो पे और इसके एंड में जाएंगे और इसे माइनस में ऐसे घुमा लेना है तीन सौ साठ ऐसे करके कर लेते हो तो यहाँ पे कैसेट घूमता हुआ नजर आएगा ऐसे करके देख सकते हो ऐसे आएगा यहाँ पे लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा बनना अच्छे से दिखता है ऐसे करके हो गया अब ये फर्स्ट पार्ट आपने क्रिएट कर दिया है अब आपको सेकेंड पार्ट बताते हैं यहाँ से जो पूरा लिरिक्स लिखना है तो यहाँ पर ट्रांजिशन होता है अब आपको प्लस पे टाप करके रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है डॉट पर क्लिक करके फिल कम्पोजिशन एरिया कलर जो है इसका सो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हल्का कर लिया था ऐसे करने के बाद यहाँ से इसे पूरा अंत तक कर लेंगे जहाँ तक साउंड होगा और इफेक्ट में जाना है हार्ड इफेक्ट में आपको यहाँ पे गोस एन ब्लर सेलेक्ट करना है ऐसे करके इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके साइज़ को जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो कर लेना है जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो ऐसे ओके करेंगे इस प्रकार से हो जाए अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको मोगन ट्रांसफॉर्म पर आना है और इधर थोड़ा सा आ जाना है इतना जगह छोड़ना है लगभग तो यहाँ पे याद रखना है ग्यारह सेकेंड तक हम आ रहे हैं थोड़ा सा जगह दे रहे हैं इसको तो ऐसे करके रखना है प्लस कर देना है जितना है उतना पे सॉरी इसमें नहीं करना है प्लस जूम में आकर यहाँ पे प्लस करना है और इसके स्टार्टिंग में आकर इसे ऐसे करके जीरो कर देंगे यहाँ पर देख सकते हो तो ऐसे हो गया जीरो यहाँ पे और वही कर्व जो हमने उसमें दिए हैं सो सेम इसमें पेस्ट कर देना तो इस प्रकार से हो जाए आपको यहाँ पे ऐसे करके आता हुआ नज़र आएगा जब ये सब कर लेते हो अब आपको क्या करना है इसको यहाँ पर मानक चले अभी रख लेते हैं जो पूरा दिखे ये राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है फिर से और इसके एडिट शिप पे आना है यहाँ पे जो राउंडेड रेक्टेंगल है इसके साइज़ को 100 रहने दीजिएगा यहाँ पे इसको 90 कर लेना है ऐसे करके और यहाँ पे रेडियस जो है सो दस कर लेना है दस और इतना हो जाए उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जूम पे आएंगे इसके साइज़ को यहाँ से आठ कर लेंगे ऐसे कर लेते हो ओके करेंगे ओके करने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है सो व्हाइट रखना है रखने के बाद यहाँ पे बॉर्डर एंड सैडो में इसका सैडो ऑन करेंगे इसके साइडो का साइज यहाँ से पचास कर देंगे पचास करने के बाद ओके करेंगे यहाँ पे इसको जीरो कर देंगे और इसको भी जीरो कर देंगे ऐसे करके जब ये सब हो जाए अब आपको इसे पूरा अंत तक कर लेना है जहाँ तक साउंड है और शुरू में भी इसे पूरा अंत तक ऐसे मतलब खींच लेना है और इसे जूम इन जूम आउट अभी नहीं करना बाद में करेंगे पहले आपको क्या करना है सो so, शुरू में जो हमने पी इसमें लगाए हैं सो so पी को फिर से लाना होगा तो मीडिया में चलते हैं और जो पी है सो so पिक्चर में है तो यहाँ से इस पी को सेलेक्ट करते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे ऐसे करके जूम आउट कर लेते हैं जो कि हल्का सा इतना चौकोर दिखे जब इतना हो जाए इसे मूव करके यहाँ पे हमने रखा था तो इतना पे रख लेते हैं थोड़ा सा इसका साइज को और ज़्यादा करते हैं जो अच्छा लगे इस प्रकार से रखना है तो यहाँ पर रखते हैं ऐसे रखने के बाद अब आपको क्या करना है इसे पूरा अंत तक बाद में करेंगे पहले यहाँ पे जो सॉन्ग है उसका नाम लिखना है टेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं तुम ऐसे मैंने लिख लिया इसको अलाइन करेंगे बीच में और इसका जो फंट है सो ये वाला सेलेक्ट करते हैं अल्टोन शायद एलाइट मोशन में ही है और यहाँ पर जब इतना हो जाए इसके साइज़ को चौदह रखा था और कलर इसका ब्लैक रख लिया था इतना करने के बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद इसे यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे करके रखने के बाद अब इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद इसमें आपको सिंगर का नाम लिखना है तो यहाँ पे अरिजीत सिंह लिख लेते हैं अरिजीत सिंह ऐसे करके और यहाँ पे इसका साइज यहाँ पे छोटा करेंगे हल्का सा और इसका कलर जो है सो ब्लैक की जगह ए वाला रखेंगे और उसके बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद इसे मूव करके यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं और नीचे से आपको लोगो लगाना है अपना तो अपना चैनल का नाम लिख सकते हो और जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और पी को भी और इसके एंड तक पूरा खींच लेना है ये बटन टैप करके ये हो जाए अब आपको एक स्पोटिफाई पी मिलेगी उसे डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसे लाना होगा तो मीडिया में चलते जो डाउनलोड करोगे सो तो ये पी होगी इससे यहाँ से हम ऐसे करके छोटा कर लेते हैं ऐसे थोड़ा बड़ा ही रखिएगा इतना और उसके बाद यहाँ पे मूव करके इस कोने पे हम रख लेते हैं रखने के बाद अब आपको क्या करना है इसे भी पूरा अंत तक कर लेना है ऐसे करके करने के बाद अब आपको यहाँ से लिरिक्स लिखना है लिरिक्स लिखने के लिए जो लाइन है वो लिखना होगा तो टेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे जो लाइन है तुम शायद ए या तुम ही से मुश्किल है कुछ ऐसे लाइन है तो यहाँ पे लिखते हैं या ऐसे मैंने लिख लिया इसको यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा और यहाँ पे वही फ़ॉन्ट को फिर से सेलेक्ट करते हैं साइज़ को इस बार थोड़ा सा छोटा कर लेंगे या उतना रहने दे सकते हो तो यहाँ पे चौदह या सोलह रख लेना चौदह ही रखा था मैंने और यहाँ पे कलर इसका ब्लैक रखना ब्लैक रखने के बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद इसे पूरा अंत तक कर देना है जहाँ तक है लिरिक्स वहाँ तक करना है और अब आपको एंड ट्रांसफॉर्म पर आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट की इतना पे रख के आपको थोड़ा सा हाँ इतना पे रखना और प्लस कर देना है ऐसे करके थोड़ा सा इधर ऐसे रहना चाहिए हाँ और यहाँ पे आना है इतना दूरी पे और इसे ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर लेना है मूव करने के बाद यहाँ पे इसमें हमें कर्व देना है तो कर्व में ऐसे आते हैं ये वाला कर्व दे देते हैं उसके बाद एक इफेक्ट इसमें देना है जो कि इफेक्ट में चलते हैं हार्ड इफेक्ट में आपको मिलेगा ओपर में फेड इन आउट इसको सेलेक्ट करना है आउट को जीरो इन जितना उतना रहने दीजिएगा तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐसे करके नीचे से फेड होकर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा अब दूसरा लिखना है तो इसी का डुप्लीकेट कर लेना ऐसे करके और डुप्लीकेट करने के बाद इसे सिर्फ ऐसे करके खींच लेना है यहाँ से ऐसे मान के चले यहाँ से लिरिक्स से स्टार्ट होगा तो ऐसे आ रहा है अब आपको लिरिक्स एडिट करना कुछ भी लिखना अभी मेरे को लाइन याद नहीं मान के चले यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं और ओके करते हैं यहाँ से ओके करने के बाद इसे बस मूव के ऑप्शन पे आना है मूव के ऑप्शन पे नहीं डायरेक्ट इसे ऐसे पकड़ना है और एकदम सीधा नीचे की तरफ खींच लेना है तो यहाँ पे दूसरा लिरिक्स हो गया इसका जैसे ही एक यहाँ पे एक ख़त्म होगा फिर दूसरा आएगा फिर इसी का डुप्लीकेट ऐसे करते करते पूरा लिख लेना अब यहाँ पर लास्ट में जाओगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा ये मेन साउंड से ज़्यादा आगे का लाइन जो जो रहेगा उसे कट कर देना है सबको एकदम बराबर कर लेना बराबर करने के बाद अब जब पूरा लिरिक्स लिख लेते हो तो यहाँ पर ए वाइट सेप है यहाँ से सेलेक्ट करना है और जहाँ तक लिरिक्स है सब एक साथ ग्रुप कर देना है ऐसे सेलेक्ट करके ग्रुप ग्रुप हो जाए उसके बाद अब आपको क्या करना है इस ग्रुप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 11 सेकंड तक जहाँ तक इसको रखे तो इसी के बराबर में एक ही पे आएंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म जो आते हैं प्लस करते हैं जैसे वैसे है। और इसके स्टार्टिंग में जैसे उसमें जीरो किया था इसको भी जीरो करेंगे और यहाँ पर जो कर्व उसमें दिया था सो सेम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर अब दोनों एक साथ जूम होता हुआ नजर आएगा ऐसे करके अब इसमें इफेक्ट देते हैं इफेक्ट चल के हार्ड इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट जो है जो आपको स्विंग देना है तो इसको, इस इसको फ्रीक्वेंसी को और एंगल वन को माइनस पांच तो यहां से माइनस पांच ओके यहां पे एंगल टू को पांच तो यहां से पांच और जब इतना हो जाए तो इसको ऑफ करेंगे दूसरा इफेक्ट है जो आपको सॉरी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ही दिखेगा पल्स इसको सेलेक्ट करना है प्लस करना है स्टैंडर्ड इसको ऑन करते हैं यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री जीरो रख लेंगे जीरो पॉइंट थ्री जीरो और उसके बाद ओके करेंगे यहाँ पे जीरो पॉइंट नाइन फाइव इसको रख लेंगे और इसको रख लेंगे ग्रो को जीरो पॉइंट वन थ्री तो यहाँ पे ऐसे ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री सॉरी क्या बोल रहा हूँ वन पॉइंट जीरो थ्री और इसके बाद इसको ऑफ करते हैं दूसरा जो इफेक्ट है अगला जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ही ऑसलेट इसको सेलेक्ट करना है प्लस करने स्टैंडर्ड इसको यहाँ पे ऑन करते हैं एंगल को नब्बे डिग्री कर लेना है ओके okay करेंगे ओके okay करने के बाद फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे 0.20 0.20 टू okay, जीरो ओके उसके नीचे 25 से 25 रखिएगा बस इतना करते हो आपका लिरिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से एनिमेशन आएगा जो देखने में अच्छा लगता है तो चलिए आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद